हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन ऑफ आवर हियर सेज एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज ऑप्शन नंबर ए रिसेप्टिकल, ऑप्शन बी एपिकार्प, ऑप्शन सी मीजोकार्प एंड ऑप्शन नंबर डी एंडोकार्प। सो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो मैंगो होता है उसमें एडिबल पार्ट हमारा कौन सा होता है। सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज मैंगो। सो मैंगो जो होता है ये आता है हमारा ड्रूप फ्रूट्स की कैटेगरी में। ड्रूप फ्रूट्स क्या होते हैं? ड्रूप फ्रूट्स आर स्टोनी फ्रूट्स जिनमें एक हार्ड शेल्स प्रेजेंट होती है। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हेन ओवरी राइपन्स इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू पेरिकार्प एंड ओव्यूल्स ट्रांसफॉर्म्स इनटू सीड्स। सो जो पेरिकार्प होता है हमारा ये थ्री डिफरेंट लेयर्स में आगे डिस्टिंग्विश कर जाता है। तो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है एपिकार्प, मिडल मोस्ट लेयर हमारी बनती है मीजोकार्प एंड इनर मोस्ट लेयर हमारी बनती है एंडोकार्प। सो जो एपिकार्प होता है ये क्या करता है मैंगो में, ये जाके हमारा आउटर पील बनाता है, बेसिकली बाहर वाला छिलके वाला एरिया बनाता है जो बहुत थिन होता है। मीजोकार्प जो होता है ये हमारा फ्लैशी पल्प बनाता है जो मैंगो में इनर पार्ट होता है एंड सबसे थिक होता है। एंडोकार्प जो होता है ये एक हार्ड शेल बनाता है टू एनक्लोज सीड। इसकी वजह से ही जो होता है हमारे मैंगो को ड्रूप फ्रूट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। सो फोर डिफरेंट ऑप्शंस हमें दिए गए हैं जिसमें से हमें बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए इज रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल जो होता है ये एक फ्लावर का पार्ट होता है और जो मैंगो होता है ये बेसिकली ओवरी से ओरिजिनेट करता है, रिसेप्टिकल से नहीं करता। जो रिसेप्टिकल होता है दिस पार्ट होल्ड्स ओवरी। सो ये जो होता है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है ओवरी के साथ एंड देयरफॉर इट इज नॉट एडिबल इन मैंगो। नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है विच इज एपिकार्प। ऑप्शन नंबर बी इज एपिकार्प। एपिकार्प क्या होता है? एपिकार्प होता है हमारा आउटर मोस्ट लेयर पेरिकार्प का और मैंगो में ये लेयर जो होता है ये होता है आउटर पील जिसको बोलते हैं हम छिलका एंड इसको हम लोग निकाल देते हैं, देयरफॉर ये एडिबल पार्ट नहीं होता है मैंगो का। इसके बाद आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी विच इज मीजोकार्प। सो मीजोकार्प जो होता है ये आता है हमारा मिडल मोस्ट लेयर ऑफ पेरिकार्प की कैटेगरी में और मैंगो में ये मीजोकार्प जो होता है ये फ्लैशी पल्पी स्ट्रक्चर होता है जो कि एडिबल होता है। सो ये वाला पार्ट जो होता है मैंगो का ये खाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज हमारा एंडोकार्प। जो हमारा एंडोकार्प होता है, एंडोकार्प इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ पेरिकार्प। सो मैंगो में जो एंडोकार्प होता है वो क्या करता है, एक हार्ड शेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है बिकॉज ये मैंगो जो होता है ये ड्रूप फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है एंड इट इनक्लोजेस द सीड। देयरफॉर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी मीजोकार्प। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।